आपका भी बुलाने के लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है आपका। अभी सुधरा है, फिर से प्रॉपर स्विमिंग हो रही है, फिर स्ट्रेंथ सेशन हो रहा है, फिर शाम में बारिश नहीं आ रही है तो, पर सब कुछ मतलब दो दो के पेयर में हो रहा है ओके सेफ्टी पर्पस के लिए। सो एकेडमीज वगैरह वहां पे खुल चुकी है या फिर अभी भी बंद है? मतलब जिम वगैरह ये सारा फिटनेस रूटीन आप कैसे मेंटेन कर रही हो फिर अभी? अभी मैंने घर पे ही मतलब साइकिल इसलिए मैंने लिए कि कार्डियो हो सके, क्योंकि ग्राउंड तो मिल नहीं रहा है, तो जैसे नॉकिंग भी सीमेंटेड एरिया पे ही हो रही है और स्ट्रेंथ किट वगैरह मंगवाए थे तो उससे ही हो रहा है। ओके सो अभी तो मतलब फैमिली के साथ भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकती हो क्योंकि एज अ क्रिकेटर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है इधर उधर जाके। ओके हाँ अभी तो काफी टाइम स्पेंड हो गया है साथ में। डेफिनेटली डेफिनेटली। और साथ ही में आप शायद ट्रैवल भी मिस कर रही होगी क्योंकि मतलब जैसे कि मैंने अभी एक स्टोरी देखी रिसेंटली आपकी जो लद्दाख की, तो मतलब लद्दाख कब गए थे? मतलब पिछले साल गए थे या फिर मतलब क्या प्लान हुआ था और कैसा था एक्सपीरियंस पूरा? ट्रैवल तो हाँ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अब पहले 2 महीने तक तो ठीक था कि हाँ रेस्ट मिल रहा है, पर अब बहुत ज्यादा ही मतलब घर के अंदर पैक हो गए, तो ट्रैवल तो डेफिनेटली मिस कर रही हूँ मैं, और क्रिकेट भी बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, तो जब मेरे ये क्रिकेट क्वारंटाइन मेट्स खत्म हो जाएगा वगैरह तो मतलब सबको। शायद मुझे तो लगता है कि सारे क्रिकेटर्स बाहर क्वारंटाइन होंगे, घर जाने का नाम ही ले लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। यस डेफिनेटली। तो फिटनेस की तरफ आप मतलब अभी एसोसिएशन का कुछ प्लान वगैरह चल रहा है या फिर आप खुद का भी मेंटेन कर रही हो, कैसे चल रहा है फिर? अभी मेरी मतलब हमारी जो एसोसिएशन है एनपीसीए में, तो वो ट्रेनर और फिजियो से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो लोग मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम दे के रखा है उन्होंने, तो उनको मैंने बताया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने बोला कि मतलब जो भी उन्होंने बोला है फॉलो कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी कि सबसे पहले तो आप पहले से स्टार्ट करते हैं कि मतलब जब आप स्कूल में थी तो आप कैसी थी, मतलब पढ़ाकू थी या फिर बैक बेंचर? मैं बैक बेंचर रही हूँ स्टार्टिंग से ही, मतलब 5th तक तो सभी अच्छा पढ़ते, उसके बाद मैं बहुत मतलब मैं एथलेटिक्स में थी, 6th क्लास से मैंने नेशनल वगैरह जाना शुरू किया, तो मैं स्टार्टिंग से मैंने ट्रैवल किया है, तो मतलब पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान गया नहीं है स्टार्टिंग से ही। डेफिनेटली मतलब बैक बेंचर तो मतलब शायद ऐसे ही कुछ हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ऐसे मैंने सुना है कि बैक बेंचर जो होते हैं कुछ अलग ना कुछ अलग करते हैं, मतलब दुनिया मतलब बहुत सारी हिस्ट्री रही है ये। मेरे दो दोस्त भी है वही मतलब क्रिकेटर्स, तो वही वो मतलब इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया था फिर बाद में कहाँ से क्रिकेटर बन गए उनको ही मालूम, पता नहीं कि क्या अलग ही थोड़ा सा सोचते हैं, तो डेफिनेटली शायद पता नहीं कि इसकी हाँ हिस्ट्री क्या है। कह सकते हैं ऐसा। सो मतलब अभी मतलब जब आप वहां पे थी जब स्कूल में थी तो पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं था, तो स्पोर्ट्स में तभी से इंटरेस्ट था तो या फिर मतलब और क्रिकेट में इंटरेस्ट जनरेट कैसे हुआ? हाँ मैं स्टार्टिंग से ही मुझे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था, हर कोई गेम में, और मैं 6th से 11th क्लास तक मैंने एथलेटिक्स किया है। एथलेटिक्स में मैं 100, 200 और ट्रिपल जंप करती थी, तो उसमें मैंने काफी मतलब 3-4 नेशनल खेले, और फिर उसके बाद कुछ चीजें हुई थी, तो उसके बाद मेरे मॉम के कोच थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि क्रिकेट में तुम्हें जाना चाहिए, तुम अच्छा कर सकती हो उधर, तो ऐसे करके 11th क्लास में मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। 11 से मतलब प्रोफेशनली स्टार्ट किया या फिर मतलब ऐसे ही मतलब इंटर कॉलेज वगैरह कुछ चल रहा था? स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं स्किल्स में लेग स्पिनर बन रही थी, और स्टार्टिंग में विद इन 6 मंथ ही मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था आपको रिप्रेजेंट करने का। एमपी की 30 गर्ल्स सिलेक्ट होती है मेन टीम के, मतलब उसमें से 15 लड़कियां सिलेक्ट होती है मेन टीम के लिए,
तो उसमें मेरा हो गया था कैंप में, तो उसी मतलब स्टार्टिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो हो गया मतलब। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, मतलब पहले एथलेटिक्स फिर बाद में क्रिकेट, तो मतलब बहुत ही ट्राई कर रही है अभी आजकल की मतलब लड़कियां जो है, मतलब सिर्फ पढ़ाई या फिर एक चीज पे फोकस नहीं रहता, ये अच्छी बात है। क्योंकि मतलब पहले हम देखते थे कि बिल्कुल भी शायद प्लेटफॉर्म इतना मिलता नहीं था लड़कियों के लिए, पर अभी बहुत ही थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरे हिसाब से। तो आपकी जो जर्नी है क्रिकेटिंग की, हाँ, तो काफी मतलब चेंज हुआ है। यस 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 तो आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है, तो उसमें पहले से ही आपको लगा था कि मतलब मैं स्पिनर रहूंगी, या फिर आप मतलब कोच का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें? मैं मीडियम पेसर बनना चाहती थी, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब मीडियम पेसर बहुत इंटरेस्ट था। मैं गई भी, सबने पूछा था कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मैंने मीडियम पेस बोला था। तो उन्होंने मेरी एक दो बॉल देखी और फिर बोला कि तुम लेग स्पिनर बनो, तुम वो ज्यादा अच्छा करोगी तो बहुत से केसेस ऐसा में हुआ ऐसा ही था। हुआ है, मतलब कोचेस जो बोलते हैं, मतलब उनको शायद ज्यादा मालूम रहता है, हमारा कुछ अलग इंटरेस्ट होता है, बट उनको हाँ शायद कुछ दिखता है, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से शायद वो ऐसे बोलते हाँ होंगे। हाँ सो या सो हाँ सो स्पोर्ट आपके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है अभी इंडिया में, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी चेंज हो रहा है, बट अगर पिछले 10 साल कंपेयर किया जाए, तो पहले गर्ल्स के लिए इतना प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बोला कि अवेलेबल नहीं था, फिर मीडिया कवरेज भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम की, मतलब इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था किसी को वुमेन्स क्रिकेट में। बट जैसे कि हरमनप्रीत में जब जब जैसे इतनी अच्छी पारी खेल के जब वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय से शायद थोड़ा सा लोगों को पता चला कि लड़कियों में पोटेंशियल ज्यादा है, लड़कियां भी अच्छे से खेल सकती है। तो अभी भी आई फील कि मतलब थोड़ा सा कंपेयर होता है लड़कियों और लड़कियों के बीच में, ये होना नहीं चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? तो स्पोर्ट्स कल्चर एंड जो ये जो मैंने बोला कि कंपैरिजन ये नहीं होना चाहिए, तो क्या ओपिनियन है इसका आपका? शायद लोगों को पता नहीं है कि मतलब गर्ल्स और बॉयज में बहुत डिफरेंस होता है यस पावर पावर को लेके कहा जाए तो, मेनली पावर को ही लेके कहा जाए तो, क्योंकि वो लोग का गेम बहुत फास्ट होता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां भी वैसे ही करेगी, पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि इनबिल्ट कैसा है दोनों का। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। और आपने सही कहा कि वर्ल्ड कप के बाद काफी कुछ चेंज आया है, लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उतना पर ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें धीरे धीरे ही होती है, तो आई होप और अच्छा हो जाएगा कुछ सालों में। हो ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी बहुत ही मतलब प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, और मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मीडिया भी अच्छे अच्छी न्यूज कवर करना चाहती है, तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा अभी मौका बन सकता है आगे जाके। सो यहाँ पे मेरा अगला सवाल यह है आपसे कि जब आप खेल रही होती हो, तो मतलब सोसाइटी का एक बहुत ही अलग एक प्रेशर रहता है, क्योंकि लड़कियां जब क्रिकेट या फिर ऐसे स्पोर्ट्स खेलने लगती है, तो बहुत ही टॉन्ट पड़ते हैं सोसाइटी के कि तू क्या करेगी आगे जाके, तेरा हो नहीं सकता आगे, स्पोर्ट्स तेरे लिए बना नहीं है, लड़की है लड़की जैसा बिहेव कर, ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं। तो आपको कुछ टॉन्ट पड़े थे ऐसे कि सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर आपने फील किया हो, या फिर टॉन्ट्स? एक्चुअली मुझे नहीं, कहाँ उसको खिला रही, उसको पढ़ने में भेज, ऐसा वैसा कोई फ्यूचर नहीं है, पर मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है स्टार्ट से ही। उन्होंने सोसाइटी की बातें नहीं सुनी है और मुझे भी यही सिखाया कि मत सुनो, जो तुम करना चाहते हो वही कर, तो इसमें शायद मुझे थोड़ा सा काफी हेल्प सरोनी ब्रेक मिली हो रहा है, है आवाज निजी थोड़ा सा, सोसाइटी की बात है। तो फिर से एक बार रिपीट अब भी करना। हो रहा है? नहीं अभी नहीं हो रहा, ठीक। रिपीट करूं मैं? हाँ कुछ कह रहे थे वो, शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा था वॉइस भी और मतलब पिक्चर भी। तो यूएसए इज सेइंग समथिंग लाइक हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग से फैमिली को ये दे रहे हैं सोसाइटी से, पर उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है वो चीज, और मुझे भी यही सिखाया है कि तुम भी इग्नोर करो, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली है स्टार्टिंग से। यस 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 डेफिनेटली, अगर पेरेंट्स का अगर सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा मतलब हम कुछ कंसिडर करते नहीं है, अगर पेरेंट्स या हमारे साथ हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती कि कोई भी कुछ भी बोले। सो डेफिनेटली ये आपके साथ बहुत ही अच्छी एक हाँ बात है कि बिल्कुल पेरेंट्स का बिल्कुल। सपोर्ट था।
स्टार्टिंग यस यस यस। सो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब उसके आगे की जर्नी, जैसे कि बहुत सारे टफ टाइम्स भी आते हैं कभी कभी, कि मतलब थोड़ा सा जैसे हम सोचते हैं उस वैसे रिजल्ट्स मिलते नहीं है हमें कभी, तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगता है कि हमारा कुछ आगे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट ज्यादा होने के कारण हम परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने लगता है। सो हाउ टू कॉन्कर दैट सेल्फ डाउट? हाँ, तो एक्चुअली ये फेज मेरे लाइफ में आया था. मुझे ज्यादा साल नहीं हुए खेलते हुए, 6 साल हुए हैं. तो जो फर्स्ट 2 इयर्स थे, मेरा 2017 में मैंने स्टार्ट किया था. हाँ, तो मेरा 2018 में पहला 19 टीम में हुआ था. तो उसके बाद मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था. मैं तब सीख ही रही थी, लेकिन मतलब बहुत टफ है, उसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो उस वजह से ऐसा हुआ था कि एक डाउनफॉल आया था. मैं 2 साल मैंने खेला है उसमें. तो अचानक से ऐसा हुआ था कि 23 शुरू हो चुका था, लेकिन मेरा 1 साल मैं किसी भी टीम में नहीं थी इंदौर की टीम के अलावा. तो वो फेज ऐसा था कि हाँ, मुझे लग रहा था कि क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी. अब 19 भी नहीं है और डायरेक्ट 23 है, तो कैसे करना है वो. पर उस टाइम पे मैंने ग्राउंड चेंज भी किया था मेरा. तो फिर कोच मिले, तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया. उन्होंने मैंने मतलब उस ईयर बहुत प्रैक्टिस की. ईयर सीनियर टीम में हो गया, और उसके बाद मैंने 23 में भी डेब्यू किया. फिर हेलो, हेलो, हाँ फिर कुछ से प्रॉब्लम हुआ था आया तो क्या? मैं एक चला गया था। तो हाँ, यूएसए समथिंग लाइक डेब्यू किया था कुछ। अच्छा, तो हाँ, अच्छा, वो बहुत पहले से चला गया. ओके हाँ, तो 19 मैंने 2 साल खेला था, और उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था. 19 जो मैंने लास्ट 19 खेला था, तो उस वजह से मैं 23 के प्रोबेबल्स वगैरह में भी नहीं आई. तो वो पूरा साल मेरा गैप हो गया था. तो उस पूरे साल मतलब मुझे बहुत मेरे लिए टफ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे सिलेक्ट होंगी, और अब 19 भी खत्म हो गया है और डायरेक्ट अंडर 23 में कम्पीट करना है. तो उस टाइम पे मैंने अपना ग्राउंड भी चेंज किया था. तो जो मेरे कोच थे, उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे, और काफी उन्होंने बोला कि वेट करो, ये टाइम का पास होने की, और डेफिनेटली अच्छा टाइम आएगा. तो कोचेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपका, मतलब इसका आपके कोचेस ने बहुत ही आपको मोटिवेट हाँ, किया टफ टाइम्स में, और शायद वही ने मतलब उनके अकॉर्डिंग आप चलती गई और मतलब थोड़ा सा फायदा हुआ आपको। हाँ जी. सो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि पहला ब्रेक थ्रू आपके हिसाब से कौन सा मिला था आपको? मुझे लास्ट ईयर ही बहुत अच्छा, मैंने अंडर 23 में 8 मैचेस थे, तो उसमें तो वो काफी काफी चेंजेस आए उसके बाद में मुझ में, और लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली कि मतलब प्लेयर कि मतलब इसको लेना जरूरी है, अच्छी बॉलर है. तो वो काफी ओपिनियन चेंज है. तो बाद अभी 2019 2020 के जो हमारे मैचेस थे अंडर 23 और सीनियर्स के, तो उसमें दोनों में मैंने अपना फर्स्ट ही किया. और अभी सीनियर्स में मैंने कुछ 8 मैचेस में 14 विकेट लिए हैं. तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो बहुत अच्छा सीजन जा रहा है. वायरस पता नहीं क्यों आ गया. यस 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 डेफिनेटली। तो आपको आपने ये कब डिसाइड किया कि मतलब क्रिकेट में करियर बनाना है फुल टाइम? क्योंकि थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात होती है कि फुल टाइम आप जब अगर देना चाहते हो क्रिकेट में, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला कि आप क्वेश्चन पूछते हो खुद को कि ये सही है मेरे लिए या फिर नहीं है, इसमें हो पाएगा, इतनी कॉम्पिटिशन है। तो ये आपका कब डिसाइड हुआ कि मैं फुल टाइम इसमें जाना चाहती हूँ क्रिकेट में और करियर बनाना चाहती हूँ? मेरा जब मैंने फर्स्ट 23 खेला, तब मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ.
मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं वो लोग इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं उस चीज में, वो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं कि कर पाओगे कि नहीं, तो उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तब मैंने चूज किया कि मैं क्रिकेट में ही अपना करियर बनाऊंगी। तो उस टाइम आप कुछ अलग कर रही थी, मतलब एज फार एज योर करियर हैज बीन कंसर्न, लाइक इंजीनियरिंग या फिर कॉमर्स या फिर ऐसा कुछ पढ़ाई वाला बैकग्राउंड कर रही थी, या फिर सिर्फ आपको स्पोर्ट्स या फिर ऐसे ही फील्ड्स में इंटरेस्ट है? मैं बीकॉम कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया मैं पढ़ाई में मेरा हमेशा से बैकअप रहा है, वो तो करना पड़ता है, ना पड़ता है, तो वो कर रही हूँ, अभी भी चल रहा है, तो ओके, अभी भी चल रहा ऐसा था। जस्ट फॉर लाइक सेफर साइड, और डिग्री हाँ, कोई तो होनी चाहिए वो इसके लिए। एक्चुअली अभी एग्जाम दे नहीं पाई थी, तो हाँ, बस इसीलिए। यार क्या क्या एग्जाम नहीं दे पाई थी क्या आप, मतलब अभी जो क्या बोल रहे थे आप? हाँ, अभी मैचेस मैचेस और एग्जाम क्लैश हो गई थी, तो जो मेरे फर्स्ट 4 मैचेस थे उसी टाइम पे फर्स्ट 4 एग्जाम भी थी, तो मैंने मैचेस को चूज किया, तो डेफिनेटली बस वो छूट गई अब। सही किया, सही किया, डेफिनेटली। सो मतलब आपको मतलब MPCA के लिए, मतलब स्टेट के लिए कब मौका मिला था और कैसे मिला था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे जैसे कि मैंने बताया 2017 में 19 में मुझे चांस मिला, फिर उसके बाद 2018 मुझे सीनियर्स और अंडर 20 में 23 में चांस मिला, और उसके बाद से अभी कंटिन्यू हुआ है सीनियर्स और 23। अभी नेक्स्ट ईयर मैं 23 ओवर हो जाऊंगी, और ऐसे करके। बढ़िया बढ़िया। तो विकेट्स तो कमाल के लिए आपने, मतलब जैसे कि मैंने कल ही शायद मैंने एक वीडियो देखा आपके इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ तो कहाँ पे तो देखा, तो काफी कमाल के विकेट्स रहे हैं। तो मतलब ये विकेट्स लेने के लिए एक अलग ही माइंडसेट रहता है, क्योंकि अगर आप विकेट के लिए नहीं जाओगे तो फिर आप बच के बॉलिंग करोगे और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपको शायद विकेट मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये माइंडसेट कैसे बनाए, क्योंकि अगर विकेट लेने है तो आपको थोड़ा सा लूज बॉलिंग करनी पड़ती है, या फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हिटिंग बैट्समैन करना पड़ता है, और हिट भी कर सकता है आपको, तो कैसे आपने मतलब वो माइंडसेट बनाया, बिल्टअप किया, और कैसे करें यंगस्टर्स के लिए क्या कहोगे आप? स्टार्टिंग में मेरा स्टार्टिंग में ये टारगेट नहीं रहता था कि मुझे विकेट्स लेने हैं, मुझे ऐसा था कि मुझे डॉट डॉट बॉल्स निकालने हैं। पर अभी लास्ट 2 ईयर से मेरा काफी माइंडसेट चेंज हुआ है कि नहीं, मुझे विकेट लेने हैं, और चाहे कितने भी रन पड़े पर विकेट अगर रहते हैं वो अलग दिखता है। तो यंगस्टर्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि मार खाने से मत डरो, अपने आप विकेट आएगा। उस लेंथ और बैट्समैन को जज करो कि वो कैसा खेल रहा है, कहाँ उसका वीक पॉइंट है, तो डेफिनेटली, यस डेफिनेटली यस आपको विकेट मिलेगा। डेफिनेटली। हम धोनी को भी देखते हैं कि मतलब वो पहले ऑब्जर्व करता है कि बैट्समैन क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग बॉलर्स को गाइड करता है कि कहाँ पे डालो आप बॉल, तो इसका काफी फायदा होता है बॉलर्स को भी। तो आपने डेफिनेटली एक अच्छी चीज यहाँ पे कही है कि बैट्समैन को रीड करो वो क्या करना चाहता है, उसके उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा रिलीज पॉइंट में थोड़ा सा चेंज करो बॉलिंग जो भी है। तो मतलब मैंने जैसे कि मैंने बताया कि क्रिकेट अभी स्पेशली फॉर गर्ल्स की बहुत ही चेंज हुआ है मेरे हिसाब से, कि स्कोप भी आपके हिसाब से स्कोप क्या है, क्योंकि एक मेरी दोस्त है वो अभी शायद कुछ मतलब कुछ किसी स्टेट के लिए खेल रही है महाराष्ट्र के लिए, बट उसका कुछ आगे हो नहीं पा रहा, मतलब एक परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, विकेट भी अच्छे ले रही है, बट थोड़ा सा हो नहीं पा रहा आगे। तो आपको मतलब वो मैंने जब पूछा था कि मैं सलोनी के साथ जा रहा हूँ लाइफ, तो वो उसका एक डाउट था कि उस मतलब कुछ अगर परफॉर्मेंस आप नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे, और परफॉर्मेंस देने के बाद भी थोड़ा सा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू फोकस ऑन दैट प्रोसेस रादर देन रिजल्ट्स। मैं ये कहना चाहूंगी इस चीज में, हमारे हाथ में टीम में सिलेक्ट होना नहीं है, हमारे हाथ में परफॉर्मेंस देना है। तो हमेशा अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कितने टाइम तक कोई इग्नोर करेगा आपको, एक टाइम ऐसा आएगा जब जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि डेफिनेटली परफॉर्म मतलब प्रोसेस पे ध्यान दे, रिजल्ट पे नहीं।
डेफिनेटली डेफिनेटली। और अगर आप जैसे कि आपने बोला कि कंसिस्टेंटली अगर आप परफॉर्म करते हो तो एक ना दिन आपका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आएगा कि अभी और इस जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। अगर 10 साल पहले का अगर बात की जाए तो थोड़ा सा नहीं था ऐसा, बट यहाँ पे अभी बहुत ही एक टैलेंट के हाँ ऊपर ही सब कुछ सिलेक्शन होता है। सो डेफिनेटली आपने एक सही बात कही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि जो MPCA से लेके इंडिया ए तक आपने खेला है, तो वहाँ वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपको इंडिया ए में मौका मिला था, और मतलब उसके पहले किस चीज के वजह से आपको वो चांस दिया गया था। ऐसी कुछ स्पेशल चीज की थी आपने, या फिर मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही थी वो देख के हुआ था? हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ था, अंडर 23 के T20 मैचेस चल रहे थे, उसमें 6 मैचेस मिले थे हमको। तो मैं यूजुअली 3-4 डाउन जाती हूँ, काफी मतलब नीचे रहता है वो, मिडिल ऑर्डर में जाती हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में 4 मैचेस में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब 20 ओवर्स का था, तो मैं कुछ 12 से 14 ओवर के बीच में, मतलब बाद में जा रही थी, तो उसमें मैंने कंटिन्यूसली मतलब 25-30 रन बनाए थे। और एक पंजाब के अगेंस्ट मेरा मैच हुआ था हम लोग का, MP का, तो उसमें ऐसा हुआ था कि हमारे जल्दी विकेट गिर गए थे और बॉल बहुत सारी, मतलब ओवर बहुत सारे बाकी थे, और पर हमारे 4 विकेट गिर गए थे। तो उस टाइम में मैं बैटिंग के लिए गई थी, और उस मैच में मैंने अपना फर्स्ट 50 स्कोर किया, तो वो काफी हाईलाइट हुआ उस टाइम पे। और पंजाब की टीम ने हर टीम को हराया था उस पूल में, हमारे पूल में, और सिर्फ हम लोग ही उनसे जीते थे, तो वो एक हाईलाइट हो गई थी चीज। ग्रेट। और उनके अगेंस्ट मतलब 6 मैचेस में 6 या 7 विकेट भी थे मेरे। तो फिर उसके बाद मुझे इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हुई थी मैं, तो ग्रेट ऐसा ग्रेट हुआ ग्रेट। था। मतलब आपने बैटिंग के आपने मतलब थोड़ा सा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था, और मतलब कंसिस्टेंटली विकेट्स भी लिए थे, और मतलब जो प्रेशराइज्ड सिचुएशन में आपने मैच निकाल के दिया था, तो शायद उसके वजह से आपको ये मौका मिला है और आप डिजर्व भी करते हो डेफिनेटली। सो जब हाँ हाँ आपको ये जी, इंडिया ए की जर्सी मिली तो कैसा कैसी फीलिंग थी आपको, क्या थैंक रिएक्शन थी यू। आपकी? वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मुझे मतलब कहते हैं ना, अचानक से कॉल आता है सर का कि तुम्हारा नाम आ गया है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो मैंने मतलब सबसे पहले कोच को अपने बताया था, तो काफी खुश हुए थे। फिर पापा मम्मी को मैंने बताया, तो सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग इसी के लिए तो प्रैक्टिस करते हैं, यस तो डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा था। और कुछ सेलिब्रेशन भी रहा होगा घर पे कि मतलब इतनी बड़ी एक अचीवमेंट हुई है, तो और मतलब बहुत सारी लड़कियां ये ड्रीम करती है, कुछ लाखों लड़कियां ड्रीम करती है इंडिया की जर्सी पहनना इसके लिए, और इसमें इस लेवल तक पहुंचना एक काफी प्राउड प्राउड मोमेंट रही होगी उनके लिए भी, और आपके लिए भी बहुत सेटिस्फेक्शन फील किया होगा आपने उस टाइम। हाँ बहुत बहुत, पूरे मतलब पापा मम्मी तो इधर मिठाई उधर मिठाई वैसा चल रहा था। या डेफिनेटली। और मतलब मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इंडिया ए के लिए जब खेल रही थी तो एक थोड़े से सीनियर प्लेयर्स भी रहते हैं, तो उनके दबाव में ना आके मतलब जैसे कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं तो फिर मेरा हो पाएगा या फिर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ये सारा टेंशन रहता है और नर्वसनेस रहता है, प्रेशर भी रहता है, तो इस पे ना ध्यान देते हुए आपने कैसे परफॉर्म किया? अंडर 23 इंडिया चैलेंजर्स में हुआ था मेरा, तो उसमें इतना एज डिफरेंस था, से जो दो दो या तीन तीन बार उस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट मतलब सिलेक्ट हुए थे, तो काफी नर्वस तो थी मैं कि मतलब उन प्लेयर्स के बीच में मैं खेल रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो अब ऐसा मतलब फर्स्ट मैच हमारा जो हुआ था उसमें मुझे प्लेइंग नहीं मिली थी, और दूसरे में मैच में मुझे प्लेइंग मिली थी लेकिन उसमें बारिश हो गई थी, तो मुझे उसमें बैटिंग तो नहीं मिली। बॉलिंग मैंने 1 ओवर ही डाला था, ज्यादा बॉलिंग नहीं आई थी मेरी। तो मतलब मुझे लगता है कि ये चीज को पास करने में काफी हेल्प करता है, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो ये चीजें आपको वरी नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है।
डेफिनेटली डेफिनेटली। और एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि सीनियर प्लेयर्स का एक थोड़ा सा प्रेशर होना अलग बात है और उनका सपोर्ट होना एक अलग बात है। तो सपोर्ट आपको शायद काफी बहुत ही मिला होगा, तो सपोर्ट इनका होना, और मतलब जैसे कि नौजत परवीन एक प्लेयर है तो उनका भी एक थोड़ा सा अभी इंडिया में हुआ है सिलेक्शन, तो ये अगर आपके साथ रहेंगे, आपका एसोसिएशन बहुत ही मैटर करता है इसके लिए कि आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो अपना, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि आपकी जर्नी में उनका क्या इम्पोर्टेंस रहा है? हाँ, मैं अंडर 19 से नुजहत दी के क्लोज रही हूँ, तो उस टाइम पे वो एनसीए कर रहे थे और उसके एक दो साल बाद ही और उनका लड़ाक भी वर्ल्ड कप मैंने में हो देखे, गया। टिप्स ही जा रहे थे। हाँ जी, तो वो काफी फर्क पड़ता है उन चीजों का, क्योंकि आप ड्रीम कर रहे हो उस जगह जाने का जहाँ उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है काफी बड़ा रोल प्ले करता है ये सब चीजें डेफिनेटली भी। डेफिनेटली। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगा मैं आपके साथ। एक लास्ट क्वेश्चन ये है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब अभी स्कोप कैसा है गर्ल्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, बट अभी भी क्या स्कोप बढ़ चुका है गर्ल्स के लिए? हाँ, अभी काफी इम्प्रूवमेंट है। मैंने जैसे कि बताया कि थोड़ा टाइम और लगेगा और अच्छा होने में, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। और कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा हो गया अब, क्योंकि अब जो छोटी लड़कियां भी थी वो भी आ रही है, और काफी स्टार्टिंग से बैच बहुत अच्छा आ रहा है, तो कंपटीशन तो बहुत अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और बहुत ही मतलब एक आपकी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, सो डेफिनेटली आपके आगे की जर्नी के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और एक रैपिड फायर थैंक राउंड यू। खेलते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ओके, फटक से आपको आंसर देना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छा, एक एक दो आंसर्स ओके, हो गए बीच में सिर्फ, बाकी तो मतलब सिंपल क्वेश्चन। अच्छा। सो सबसे पहला कि आपकी सबसे फेवरेट विकेट आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? क्या चीज? फेवरेट आपकी विकेट जो ली थी आपने, आप बहुत सारे विकेट्स लिए, तो उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी थी? मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया, जो अगेंस्ट हैदराबाद थी वो, तो वो विकेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब परफेक्ट ड्रिफ्ट, परफेक्ट स्पिन, स्टेप आउट किया बैट्समैन ने और स्टंपिंग हुई, वो मेरी फेवरेट वीडियो है। ड्रीम विकेट रहती है वो। हाँ, यस डेफिनेटली। आप कौन सी लेंथ पे आप बॉलिंग करना पसंद करती हो, आपकी फेवरेट बॉलिंग लेंथ? गुड लेंथ पे, मिडिल स्टंप पे गुड लेंथ, मुझे यस पसंद है। डेफिनेटली। तीसरा क्वेश्चन है कि विराट और MSD कौन सा फेवरेट है, एक चुनना चाहो तो? MSC। MSD, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि हरमनप्रीत कौर और स्मृति। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप पहली हो कि मतलब इन दोनों में स्मृति चूज कर रही हो, बाकी सबने मैंने जिनसे अभी तक पूछा है हरमनप्रीत के साथ गए वो। सो या बोथ अच्छा, आर नहीं, बेस्ट मुझे बट यस बैटिंग बहुत अच्छी लगती है उनकी। यस 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 डेफिनेटली। आपकी फेवरेट डिश? मुझे सब कुछ पसंद है, खाना चिकन मेरा फेवरेट है। चिकन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोनों आपको स्वीट पसंद है ज्यादा या फिर स्पाइसी? बहुत पसंद है, मैं चूज नहीं कर सकती यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटिंग ज्यादा पसंद है आपको या फिर बॉलिंग? बॉलिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका सेलिब्रिटी क्रश? सोचना बोल पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। दो, ऋतिक रोशन। हाँ, ऋतिक रोशन मुझे, जैन मलिक भी बहुत पसंद है। यस 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 डेफिनेटली। या और एक एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपके आइडल कौन रहे? हाँ मेरे मेरी मॉम, ग्रेट। और इन क्रिकेटिंग फील्ड? क्रिकेटिंग फील्ड मुझे MSD बहुत पसंद है, इंस्पिरेशन मैं है मतलब सबके लिए। बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। हाँ, यस 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 डेफिनेटली। बहुत सारे क्रिकेटर्स का एक एक ही एक मतलब आइडल होते हैं, एक तो या तो मतलब MSD रहते हैं या फिर राहुल द्रविड़ रहते हैं। डेफिनेटली दोनों एक लेजेंड्स है, तो पता नहीं कि मतलब एक अलग लेवल पे क्रिकेट को लेके खड़ा कर दिया है उन्होंने। अभी कहाँ से आए और मतलब बहुत ही सारा स्ट्रगल किया, हाँ बाद में अभी इतना ये मुकाम हासिल करना डिफिकल्ट, बहुत ही आसान, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू देम ऑल्सो। और थैंक्स सलोनी अगेन फॉर ज्वाइनिंग। मैंने एंजॉय किया बहुत आपके साथ, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा।
हाँ बहुत बहुत मजा आई, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। माय माय प्लेजर। एंड क्वारंटाइन के बाद एक अच्छे नेटवर्क के साथ भी एक इंटरव्यू करते थोड़ा सा ये बिल्कुल जूम में शायद बिल्कुल प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। सो क्वारंटाइन जब खत्म होगा तो एक बार फिर से इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यस पक्का। डेफिनेटली। और ऑल द बेस्ट आपके अगले वेंचर्स के लिए, और मतलब वी होप दैट कि आपका सिलेक्शन हो जाए इंडिया में जल्दी, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। हेलो। थैंक यू सो मच। आवाज क्या? हेलो हाँ अभी आ रही है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हाँ अभी आ रही है। हेलो वो आवाज नहीं आई मुझे। हाँ हेलो। या हेलो, हाँ अभी आ हाँ रही। बेटर नेटवर्क में हमने जरूर लेंगे। यस यस यस। थैंक्स थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट अगेन। हेलो। ओके थैंक यू सो मच। ओके यस बाय। यस। बाय बाय। देर इज सम प्रॉब्लम इन माई कनेक्शन, सो दैट्स वाई वी हैव टू लीव।